हाय, प्लीज कम एंड कैंडल ऑफ नॉलेज। अस्सलामुअलैकुम माय डियर व्यूअर्स, मैं हूँ रहीम और आप देख रहे हैं कैंडल ऑफ नॉलेज। माय डियर व्यूअर्स, आज हम सीखने वाले हैं कि जस्टिस क्या होता है और लॉ क्या होती है। सो लेट्स कम माय डियर फ्रेंड्स एंड गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशिएंट द मोस्ट मर्सीफुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, जस्टिस क्या होता है, यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा सा डेफिनेशन दिखा है जस्टिस का। दोस्तों क्या कहता है, कहते हैं कि जस्टिस इज द कंसेप्ट ऑफ मोरल राइटनेस। दोस्तों कंसेप्ट ऑफ मोरल राइटनेस यानी कि जस्टिस क्या है, ये मोरल राइटनेस का कंसेप्ट है। यानी कि अखलाकियात, यानी कि हम समझते हैं कि क्या गलत है क्या सही है, ये इसी का कंसेप्ट है। आगे क्या कहते हैं, कहते हैं कि ये बेस्ड है किस चीज़ के ऊपर, एथिक्स यानी कि अखलाकियात के ऊपर, और इसके अलावा रेशनलिटी यानी कि समझदारी के ऊपर, और लॉ यानी कि वो कानून यानी कि वो लॉ जो हम बनाते हैं किसी इलीगल काम को रोकने के लिए, तो वो इसके ऊपर बेस करती है मोरल राइटनेस। इसके अलावा नेचुरल लॉ यानी कि जो कि हमारे माइंड में अक्सर होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि किसी को बिला वजह कोई तकलीफ देना या उसकी मुश्किलात बढ़ाना, तो ये क्या है, ये नेचुरल लॉ कहती है कि ये गलत है। यानी कि मैं कहता हूँ कि ये गलत है, क्योंकि जो भी गलत काम हो वो हमारे माइंड को जो गलत लगे ये क्या होती है, ये नेचुरल लॉ होती है। तो दोस्तों इसके अलावा रिलीजन, दोस्तों रिलीजन के ऊपर ये बेस करता है। रिलीजन के ऊपर कैसे बेस करता है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि हमारा जो मजहब है इसमें किसी को कत्ल करना गुनाह है, तो ये गुनाह कैसे है। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूँ कि हमारे माशरे में अक्सर ऐसे जुल्म ज़्यादती होती रहती है, तो ये क्या होती है, ये हमारे मजहब के ख़िलाफ़ होती है। तो हमारे मजहब में हर गलत काम को रोकने के लिए क्या होती है, एक रिलीजन यानी कि रिलीजन लॉ होती है। तो वो क्या करती है, ये मोरल राइटनेस जो है ये रिलीजन के ऊपर ही बेस करती है। इसके अलावा इक्वलिटी यानी कि बराबरी यानी कि मसावात यानी कि इक्विटी को अगर हम देखें कि ये क्या है, एक तरह के इंसाफ होती है दो गिरोह के बीच, दो बंदों के बीच। तो इसी के अलावा यहाँ पर ये फेयरनेस कहती है कि फेयरनेस के ऊपर भी ये बेस करती है। तो दोस्तों फेयरनेस को दोस्तों हम कहते हैं उर्दू में अदल। दोस्तों अदल के हवाले से बहुत ही मशहूर फिक्र है, कहते हैं कि अदल व इंसाफ करना चाहिए। दोस्तों ये अदल व इंसाफ जो है ये क्या होता है, तो इसी के हवाले से दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि अदल व इंसाफ में फ़र्क क्या है। इंसाफ एक अलग अल्फाज है, और इसके अलावा अदल जो है ये क्या है, ये एक अलग अल्फाज है। तो दोस्तों अदल का मतलब ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि मेरे दो दोस्त हैं, एक को एक भूखा है और एक जो है वो उसको भूख थोड़ी सी कम लग रही है, तो मेरे हाथ में 3 रोटियां हैं, तो मैं कहता हूँ कि मैं एक को जिसको ज़्यादा भूख लगी है तो मैं उसको 2 रोटी देना चाहूँगा, और जो जिसको भूख कम लगी है मैं उसको 1 रोटी देना चाहूँगा। अगर मैंने ऐसा किया तो ये मैंने किया कि यहाँ पर मैंने अदल किया। और अगर मैं इसी सिचुएशन में मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास 3 रोटियां हैं और एक भूख ज़्यादा लगी है और दूसरी को भूख कम लगी है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि मैं तीनों रोटियों को क्या करता हूँ, एक रोटी एक को देता हूँ, दूसरी रोटी दूसरी को देता हूँ, फिर इसके अलावा जो तीसरी रोटी होती है मैं उसको बीच में काट देता हूँ और एक टुकड़ा एक को देता हूँ और दूसरा टुकड़ा जो है वो मैं दूसरी बंदी को देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि इनकी इंसाफ किया। तो दोस्तों अदल इंसाफ का मतलब आप लोगों को समझ में आया होगा कि इंसाफ होती है यानी कि बीच में किसी चीज़ को तकसीम करना, यानी कि हर बंदे को पूरा पूरा हिस्सा देना। और इसके अलावा जो अदल होती है, एक बंदे को ज़रूरत ज़्यादा है तो उसको आपने ज़्यादा देना है, अगर इसको ज़रूरत कम है और दूसरे को ज़रूरत ज़्यादा है तो उसको आपने क्या करना है, उसको यानी कि उसकी ज़रूरत के मुताबिक देना है। तो ये क्या होता है, ये अदल होता है। दोस्तों ये होती है अदल इंसाफ में फ़र्क। और इसके अलावा दोस्तों जस्टिस जो है, अगर मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए एक छोटी सी स्टोरी जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। 1924 में एक बच्चा पैदा होता है और उसका वालदैन जो होते हैं वो उस वक्त जब इंडिया पाकिस्तान एक होते थे, तो उस वक्त में वो क्या होता था, उसके वालदैन वो हिंदुस्तान में वहाँ कर रहते थे, यानी कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान जब एक था। तो जब पाकिस्तान आज़ाद हो गया वो पाकिस्तान में आ गए, और पाकिस्तान में उसके वालदैनों ने मेहनत मजदूरी करके 2 घर ख़रीदे, और 2 घरों में से उन्होंने 1 घर में खुद रहना शुरू कर दिया और दूसरे घर जो है वो किराए पर दे दी। तो फिर बाद में जो किराएदार थे उस घर के ऊपर उन्होंने कब्ज़ा किया। जब उन्होंने कब्ज़ा कर दिया तो कब्ज़ा करने के बाद वो जो उस बच्चे के वालदैन थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने अदालत में मुकदमा किया और कहा कि ये घर जो है हमारा है, इसके ऊपर इन लोगों ने ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया हुआ है। तो ऐसा होते होते केस चलता गया यहाँ तक कि जो वो बच्चा जो था जो 1924 को पैदा हो गया था वो बड़ा हो गया और वो आर्मी में एज ए लेफ्टिनेंट भर्ती हो गया, और उसके बाद वो मेजर देने उसके बाद मेजर जनरल हो गया, फिर जनरल ऑफ पाकिस्तान बन गया। तो उस तो ऐसा वो तरक्की करते करते यहाँ तक कि यानी कि वो मेजर ऑफ पाकिस्तान बन गए। लेकिन अब तक उसका वो जो केस
था उसका फैसला नहीं हुआ। तो दोस्तों जब वो जनरल पाकिस्तान बन गए तो एक दिन उसके ऑफिस में वो बंदा आ गया और उस घर की जो चाबियां थी वो भी उसके हवाले कर दी, कहा कि ये घर तुम्हारा था और ये अगर आप ही ले लो। तो फिर दोस्तों इस मेरी कहानी का मतलब यही है कि जस्टिस यानी कि इंसाफ के हवाले से यहाँ पर मैंने बात की कि पाकिस्तान में या फिर दूसरी कंट्रीज़ में ऐसा होता रहता है कि कोई केस होती है वो इतना लंबा चौड़ा क्यों चला जाता है। उसका दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को रीज़न बताना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये स्टोरी आपके साथ शेयर की। उसका रीज़न ये होता है कि यहाँ पर किसी को अगर इंसाफ मिलता है तो इंसाफ देना चाहिए, हमारे कानून हमारे हर एथिक्स हमारा नेचुरल लॉ जो है ये भी यही कहती है। लेकिन कभी भी गलती से भी किसी को नुकसान ना हो, किसी को गैर गुनाह की सज़ा मिले। तो दोस्तों हमारे कानून हमारे मुल्क हमारे दूसरे मुल्कों की अगर हम बात करते हैं तो उनका भी यही सोच होती है कि ऐसा ना हो कि किसी को बिला गुनाह की कोई सज़ा मिले, इसी वजह से केस क्या होता है वो लंबा से लंबा होते चला जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बताया कि अदल इंसाफ का क्या होता है या फिर जस्टिस क्या होती है ये हमने जाना। और दोस्तों यहाँ पर ला की बात आती है, यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए छोटा सा डेफिनेशन लिखा है। क्या कहते हैं, कहते हैं कि ला इज़ रिटन फॉर्म ऑफ रूल एंड रेगुलेशन। ला क्या होती है, ये रिटन फॉर्म होती है रूल एंड रेगुलेशन की और विच आर फॉलो बाय द पीपल यानी कि जो लोगों के जरिए फॉलो की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर ला की बात आ गई। दोस्तों ला के हवाले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ला जो है ये हमारे पास क्या है, एक स्टैटिक है। और ये ला जो होती है ये सोसाइटी के लिए होती है और सोसाइटी हमारे पास क्या है, ये एक डायनेमिक है। तो दोस्तों अगर ला की हम इस तरह डिफिनीशन करते हैं कि ला को अगर हम डिस्क्राइब करें तो ये क्या है, ला जो है ये उसका डिफिनीशन जो है ये स्टैटिक रहेगा और जो सोसाइटी है वो चेंज होती रहती है, इसलिए हमें जो ला है वो भी वक्त चेंज करनी पड़ती है। क्योंकि जो सोसाइटी चेंज होती है सोसाइटी के साथ अगर हम ला चेंज नहीं करेंगे तो इसमें डिस्टर्बेंस पैदा होगा, इसलिए हम ला को एक तरह डिफाइन नहीं कर सकते। ला का डिफिनीशन बहुत मुश्किल है अगर हम एक तरह से देखेंगे। तो दोस्तों ला की अगर हम बात करते हैं, ला बनती है टू स्कूल ऑफ थॉट से, एक होता है पॉजिटिविज्म और दूसरा होता है नेचुरलिज्म। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम पॉजिटिविज्म की बात करते हैं तो पॉजिटिविज्म क्या कहते हैं, कहते हैं कि ला इज द कमांड ऑफ सावर्न बैक बाय द सेंचुरी। दोस्तों सेंचुरी यानी कि यहाँ पर अगर हम पनिशमेंट लिखते हैं तो भी दोस्तों यहाँ पर गलत नहीं होगा। तो ये तो दोस्तों यहाँ पर बात होती है कि पॉजिटिविज्म क्या कहते हैं, कहते हैं कि ला इज द कमांड ऑफ सावर्न। ला क्या होती है, ये कमांड होती है हुक्म होती है ऑफ सावर्न यानी कि सावर्न यानी कि एक खुद मुख्तार जो कि जज हो सकता है, इसके अलावा कोई जनरल हो सकता है जो कि ला को बनाता है और उसको लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट करता है। तो ला जो होती है ये सावर्न से आती है और फिर ये क्या करती है, बैंक बाय द सैंक्शन ये क्या करती है, इनकी पनिशमेंट सजाएं क्या करती है, ये उसके ऊपर ये लॉ होती है। तो दोस्तों यहाँ पॉजिटिविज्म की अगर हमने बात की तो ये हमारे पास क्या होती है, इनकी वो लॉ होती है पॉजिटिविज्म। वो लॉ कहते हैं कि जो हम बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मोटरसाइकिल अगर हम चलाते हैं तो हमें क्या करना होता है, हमें हेलमेट पहनना होता है, तो इसके लिए लॉ मौजूद है। इसी तरह अगर हम गाड़ी चलाते हैं तो हमें सीट बेल्ट बांधना होता है, तो उसके लिए भी लॉ मौजूद है। तो वो लॉ कौन बनाते हैं, पॉजिटिविज्म के जो लोग हैं यानी कि जो ला कानून बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं, पॉजिटिविज्म। इसके अलावा नेचुरलिज्म जो है, ये नेचुरलिज्म कहते हैं कि नेचुरल लॉ इज द प्रिंसिपल ऑफ राइट एंड रॉन्ग। नेचुरल लॉ क्या है, ये प्रिंसिपल है, ये उसूल है किस चीज़ का, राइट एंड रॉन्ग यानी कि सही और गलत का, विच आर इनहेरिटेंट इन ह्यूमन, जो लोगों में इनहेरिटेंट है यानी कि लोगों में पैदाइश से मौजूद है, नॉट क्रिएटेड बाय द सोसाइटी और जज, जो क्या होती है, जो जज या फिर सोसाइटी के जरिए बनाई गई नहीं होती है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि नेचुरलिज्म जो है ये क्या होती है, ये वो लॉ होती है जो कि सोसाइटी या फिर जज के जरिए नहीं बनी होती है, ये नेचुरल लॉ होती है यानी कि ये इनहेरिटेंट होती है, ये लोगों के पैदाइश के वक्त इसमें होती है कि क्या गलत है क्या सही। अगर मैं यहाँ पर आपसे कहूँ कि वालिदैन की इज्जत करना गलत है तो ये क्या है, यहाँ पर मैंने क्या कहा, ये गलत कहा। तो ये क्या है, ये हर बंदे का माइंड जो है ये मानता है कि ये गलत है। इसके अलावा अगर मैं कहूँ कि बड़ों की इज्जत ना करना गलत है तो ये क्या, यहाँ पर क्या है, ये माइंड जो है ये नहीं मानता, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, मैंने गलत कहा। इस तरह अगर मैं कहूँ कि बड़ों की इज्जत करना सही है यानी बड़ों की इज्जत करनी चाहिए तो यहाँ पर ये क्या है, ये सही है, तो ये आपका माइंड मानेगा, मेरा माइंड मानेगा कि ये क्या है, ये सही है। तो ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, नेचुरल लॉ है यानी कि नेचुरलिज्म है, ये हमारे माइंड में ये लॉ फिट होती है, बचपन से ही इनहेरिटेंट होती है। तो दोस्तों आज का ये हमारा टॉपिक जस्टिस और जस्टिस के हवाले से हमने जाना, लॉ के हवाले से हमने जाना। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। मिलेंगे इंशाल्लाह अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमें दोनों याद रखिए, खुदा हाफिज़।